नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम पे, अमेजोन पे कैसे 200 ऑर्डर ला सकते हैं एक दिन में। इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, आपने सिर्फ वो चीज़ फॉलो करनी है जो हर एक सेलर करता है, जिसके ऑर्डर्स आ रहे हैं 200, 300, 100 इतने ऑर्डर्स डेली के आ रहे हैं। क्योंकि 1 से 50 ऑर्डर्स में दोस्तों जो मेहनत लगती है, उसके बाद आपके 50 से 100 कब हो जाएंगे, 100 से 150, 150 से 200 कब हो जाएंगे, वो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा जब आप कोई भी फ्लिपकार्ट, पेटीएम या कुछ किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे या खुद की वेबसाइट पे भी अगर आप कर रहे हैं, तो शुरू में मेहनत लगेगी, लिस्टिंग्स में लगेगी, प्रमोशंस में लगेगी। आप प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज़ को, वो नई चीज़ है, कस्टमर्स के लिए भी नई चीज़ है, आपके लिए भी नई चीज़ है, क्योंकि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आप टाइमली डिस्पैच करें प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स अगर आपके प्रोडक्ट टाइमली डिस्पैच होंगे सेम दिन पे या एक दिन के बाद होंगे, तो कस्टमर भी कहेगा यार इसने इतनी जल्दी डिस्पैच करके दिया, दूसरा सेलर वो इतना टाइम लगा रहा है, तो ये डिफरेंस उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो आज हम उसी के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे 200 ऑर्डर्स ला सकते हैं एक दिन में। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, नंबर ऑफ लिस्टिंग्स आपकी कितनी है। आप सोचें कि मेरी 15 लिस्टिंग है, उसमें से मेरे को 10 लिस्टिंग पे ऑर्डर्स आते हैं और मैं उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास 15 लिस्टिंग है तो आप 15 लिस्टिंग और लाइए। ये सोच लीजिएगा आपकी जो 15 लिस्टिंग है उसमें से 10 लिस्टिंग पे आपके ऑर्डर्स आते हैं, रिव्यूज़ आएंगे, रेटिंग्स आएंगी, कभी कभी प्रोडक्ट टूट जाएगा, खराब रेटिंग आएगी। ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा, कस्टमर को कभी पसंद नहीं आता तो उसकी खराब रेटिंग आएगी। तो जो प्रोडक्ट होता है एक जो जिसकी इसकी शेल लाइफ होती है, तो अगर उस प्रोडक्ट की रेटिंग 3 से नीचे चली गई या 2 से नीचे चली गई तो आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, तो आप 15 लिस्टिंग का क्या करेंगे। इसीलिए टाइम टू टाइम अपनी लिस्टिंग को बढ़ाइए, टाइम टू टाइम अपनी लिस्टिंग को अपग्रेड कीजिए, मार्केट में देखिए क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। अगर आप वो नहीं जा रहे, आप दूसरे रास्ते पे निकल गए हैं, तो दोस्तों कैसे ऑर्डर आएंगे, ठीक है। सेकंड इज द पॉइंट इज कैटेगरी सिलेक्ट करें। ये मत कीजिए 10 आपने मोबाइल कवर कर दिए, 10 रिमोट कार कर दी, 10 शूज कर दिए और 15 टी शर्ट्स कर दी और इसको सबको लिस्ट कर दिया, पर इससे आपको क्या फायदा हुआ। आपने तो एक एक्सपेरिमेंट कर दिया, सारी कैटेगरी में मिला के आपने कर दिया। लेकिन अगर आप उसी एक टी शर्ट का या शू का एक कोई भी अगर आप कैटेगरी आप लिस्ट करते मोबाइल कवर का, उसी कैटेगरी में स्टिक रहते स्टार्टिंग में, उसी कैटेगरी में अगर आप स्टिक रहें और उसी कैटेगरी को फैलाएं, 15 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट को, उसकी वैरायटी लाएं, उसके कलर्स लाएं, उसके डिजाइंस लाएं, आपके ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। साथ ही में आपका एक होल्ड हो जाएगा उस कैटेगरी पे कि और कोई सेलर उस कैटेगरी में उस कम रेट पे नहीं बेच पाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है अपने प्रोडक्ट सर्च करते रहिए। आपके पास जैसे अब आज कुछ 10 प्रोडक्ट आए, अगले वीक आप दोबारा मार्केट जाइए। ये नहीं कि मेरे पास 10 ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब अगले हफ्ते भी मेरे को 10 ऑर्डर आएंगे, उसके अगले हफ्ते भी मेरे को 10 ऑर्डर आएंगे, मेरे को उससे ज्यादा काम ही नहीं करना। दोस्तों आगे बढ़ने का सोचोगे तो ही आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आपका वो काम वहीं पे तक सीमित रह जाएगा और उसके आगे तक नहीं जाएगा। जितना आप आगे का सोचोगे ना, तो उतना ही आपका काम भी आगे बढ़ेगा। तो आप ये सोचिए कि आपको वीकली मार्केट जाना है, सर्च करने हैं नए प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, डिस्पैचिंग इज द मेन पॉइंट। आपके पास आज ऑर्डर आया, आप 4 दिन बाद भेज रहे हैं, आपके पास आज ऑर्डर आया, आप कल भेज रहे हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। और एक माइंडसेट सेट होता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट भेजेंगे जाने में भी टाइम लगेगा 2 से 3 दिन का। कस्टमर सोचेगा यार मैंने अभी तो ऑर्डर किया था अभी आ भी गया, या कस्टमर सोचेगा मैंने अभी ऑर्डर किया था अभी तक नहीं आया। दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है, सोच का डिफरेंस है, आगे की सेल का डिफरेंस है और आपके फ्यूचर का डिफरेंस है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अगर आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से कभी भी कोई मेल आती है स्मार्ट फुलफिलमेंट के लिए, तो आप उसमें एनरोल कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको 7 दिन काम करना होगा, प्लस आपके ऑर्डर्स में एफ एस शॉर्ट बैच आ जाएगा, प्लस आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी और उसमें रिटर्न के बहुत कम चांस हो जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा फ्लिपकार्ट के एक रिप्रेजेंटेटिव अगर आपके वेयर हाउस पे आके बैठेंगे तो चेक करेंगे कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है। ये चीज़ आपके जो बिजनेस को और ग्रो करेगी।
और उसी के साथ साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्रेस लिस्टिंग में डाल दें, सारे प्रोडक्ट्स को, अब तो सभी सेलर्स के लिए हो ही गया है कि आप एक्सप्रेस लिस्टिंग में डाल सकते हैं, पहले कुछ ही प्रोडक्ट सेलर्स के लिए था, तो आप उसको भी ज़रूर एनरोल कीजिए। तो ये पॉइंट्स थे 200 ऑर्डर्स के लिए एक दिन में, तो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स।